नमस्कार पणजी दूरदर्शनच्या स्टुडिओतल्यान तुमकां सगळ्यांक येवकार. चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आणि पणजी दूरदर्शनच्या पालवान आम्ही मतदार साक्षरताय कार्यावळ तुमच्या मेरेन घेऊन आयल्यात. आयचो विषय असा सशक्त लोकशाये खातीर अत्याधुनीक जनभागीदारी. आणि ह्या विषयाचेर आमकां माहिती दिवपाक आमचे कडेन भासाभास करपाक आमच्या वांगडा आसात गोंय विद्यापीठाचे प्रोफेसर राहुल त्रिपाठी. तुमकां येवकार. नमस्कार. नमस्कार. प्रोफेसर राहुल त्रिपाठी हे गोंय विद्यापीठाच्या पॉलिटिकल सायन्स ह्या विभागात HOD म्हणून काम पळयतात. फाटली 20 वर्सां ते गोंय विद्यापीठात विद्यादानाचे काम करतात. JNU ताणी आपले शिक्षण घेतलं आणि सुमार फाटली 8 वर्सां मतदार साक्षरताय मतदार जागृताय ह्या विषयाचेर ते वावर करतात. त्रिपाठी जी, तो हम आपसे मतलब अभी बातचीत शुरू करते हैं. जो टॉपिक आप जैसे जानते हैं कि सशक्त लोकतंत्र के लिए अत्याधिक जनभागीदारी, तो हम जानना चाहते हैं कि आप अत्याधिक जनभागीदारी पर क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि क्यों जरूरी है अत्याधिक जनभागीदारी? अक्षता जी, सबसे पहले तो मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं काफ़ी अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ लोकतंत्र के इस पावन त्यौहार में शामिल होने के लिए. ग्रेटर पार्टिसिपेशन फॉर अ स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, जो कि एक मूल स्लोगन है इलेक्शन कमीशन का. इसके साथ हम लोग पिछले 8 साल से जुड़े हुए हैं, और जब हमने इस विषय में अपना काम किया तो ये पाया कि चाहे वो लोकल लेवल का मतदान हो, चाहे राज्य के स्तर का हो या राष्ट्रीय स्तर का हो, अगर मतदान ज़्यादा होगा तो उससे अपने आप एक लोगों का विश्वास लोकतंत्र में मजबूत होगा. हमने और करीबी से इसको देखा तो पाया कि वेरिएशन होता है. लोकल लेवल इलेक्शंस में कहीं ज़्यादा भागीदारी होती है, राज्य के स्तर पे उससे थोड़ी कम होती है, और राष्ट्रीय स्तर पे सबसे कम. मतलब आप लोकल लेवल से आपका मतलब जो पंचायत जिला पंचायत या फिर जो हमारा म्युनिसिपैलिटी जी जी, और राज्य लेवल मतलब हमारा स्टेट असेंबली विधानसभा का जी, और सेंट्रल मतलब लोकसभा का. तो इसका अर्थ ये निकला कि लोग कहीं ना कहीं अपने इमीडिएट मुद्दों से ज़्यादा सरोकार रखते हैं. ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर वो लोग जुड़े नहीं रहते हैं मुद्दों से, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट शायद रहता है लोकल लेवल पर. तो ये कैंपेन ग्रेटर पार्टिसिपेशन फॉर अ स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी इस मूल गैप को फिल करने के डायरेक्शन में बनाई गई. तो मेरा ये मानना है कि मतदान का प्रतिशत जितना ज़्यादा होगा तो सबसे पहले तो एक आम नागरिक का विश्वास लोकतंत्र में इससे बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं इससे जो उत्तरदायित्व राजनीतिक वर्ग में होना चाहिए उसमें भी कहीं ना कहीं फिर सशक्तिकरण होगा. तो ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से भागीदारी का ज़्यादा होना काफ़ी आवश्यक है, और इसी दिशा में ये पूरी कैंपेन काम कर रही है. चुनाव आयोग जो है मतलब इलेक्शन कमीशन, उसका क्या दायित्व है ऐसा आपको लगता है इस विषय में? जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि देश में चुनाव आयोग जो है वो सबसे बड़ी संस्था है और प्राधिकृत संस्था है, जिसको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि चुनाव निष्पक्ष और ओपन तरीके से हों. इस जिम्मेदारी का निर्वाहन भारतीय चुनाव आयोग ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया है पिछले कई सालों से. तमाम तरह के नए इनोवेशंस, नई स्कीम, और उसका नतीज़ा हम देख रहे हैं. जो 2019 के इलेक्शंस हुए थे तो उसमें लगभग 67% वोट कास्ट किए गए थे, जो अब तक का सबसे ज़्यादा है. तो एक लीड संस्था होने के नाते सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की हो जाती है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. चुनाव आयोग की निष्पक्षता और चुनाव आयोग का प्रोफेशनलिज्म इसमें बहुत काम आता है. और जब हम चुनाव आयोग की बात करते हैं तो उसका मतलब केवल दिल्ली में स्थित या
जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स होते हैं सारे स्टेट्स में, केवल उनसे ही मतलब नहीं होता है, जब चुनाव होते हैं तो आप ये पाएंगे कि वो तमाम लोग जो इलेक्टोरल मशीनरी के साथ जुड़ जाते हैं, जो टीचर्स भी हैं जिसमें और तमाम सेक्शंस के, तो एक बहुत बड़ी टीम बन जाती है जो जो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट हो जाती है। और चुनावों राइट फ्रॉम बीएलओज टिल द टॉप मोस्ट ऑफिसर्स। तो एक ये जो सामंजस्य बनता है ग्रास रूट्स लेवल से लेके टॉप मोस्ट लेवल तक, ये रोल केवल चुनाव आयोग जैसी संस्था ही कर पाती है। और ये संस्था इसलिए भी और आवश्यक हो जाती है कि अगर आप भारतीय चुनाव आयोग को इस दृष्टि से देखें तो इसको एक तरह का रोल मॉडल माना जाता है विश्व की और तमाम संस्थाओं द्वारा ही। अभी हम लोगों ने एक और संस्था जो जुड़ी हुई है चुनाव आयोग के साथ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड मैनेजमेंट के साथ भी कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स किए, जिसके तहत एक ऑनलाइन कोर्स इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। तो ये संस्था ऐसी है जिस में कई इंटरनेशनल लेवल पे जो चुनाव आयोग हैं वो लोग अपने स्टाफ को भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो भारत के लिए ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का योगदान इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ मतलब भारत में ही नहीं और उनको ट्रेनिंग देना ही नहीं लेकिन दूसरे देश में जो मतलब इलेक्शंस होते हैं उनके लिए भी हमारे चुनाव आयोग के जो ऑफिसर्स हैं वो उनको ट्रेनिंग देने के लिए या फिर ओवरसी करने के लिए भी जा चुके हैं। जी, जी। और ये सच्ची में मतलब बहुत गर्व की बात है, अभिमान की बात है। ये तो हुआ चुनाव आयोग के बारे में, लेकिन उससे बाद मतलब जो एक महत्वपूर्ण जो रोल रहता है वो है राजकीय दल, जो पक्ष है, तो उनका और उनके नेतृत्व का क्या दायित्व है या क्या जिम्मेदारी है ऐसा आप मानते हैं? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष रखा है, क्योंकि वस्तुतः आप देखिए तो राजनीतिक दल और उनके नेतृत्व ही अंततः ये निर्धारित करते हैं कि देश में किस तरह की सरकार आएगी, किस तरह का शासन होगा, किस तरह की लीडरशिप होगी। अच्छा नेतृत्व होगा, अच्छे दल होंगे, तभी प्रजातंत्र भी मजबूत होगा। चुनाव आयोग की अपनी एक सीमित रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको वो बखूबी निभाता है, लेकिन चुनाव आयोग का काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद असली जो काम होता है वो तो राजनीतिक दलों का ही होता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की और किस तरह का नेतृत्व ये दल दे रहे हैं उनकी भी हो जाती है। मेरा ये मानना है कि जिस तरह के पॉलिटिकल स्लोगन्स, पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज राजनीतिक दल निकालते हैं, तो जो मैसेज होता है वो बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि आम नागरिक अल्टीमेटली उस मैसेज से ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो जिसे एक पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात करते हैं हम लोग, किस तरह की पॉलिटिकल मैसेजिंग की जा रही है, क्या क्या मुद्दे लेके अलग अलग पार्टियां चुनाव में आ रही हैं। जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपस में मतभेद रहता है, तो तमाम मुद्दों पे भी उनमें मतभेद होगा, लेकिन वो मतभेद इस तरह के ना हों जो कि समाज में एक तरह का विद्वेष पैदा करें। इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ एक पहलू जैसे धर्म, जाति, प्रांतवाद या संकीर्ण राष्ट्रवाद, जिसमें कि समाज को बजाय एक साथ ले चलने के अगर विभाजित करने के प्रयास होते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा वोट बैंक आगे कंसोलिडेट होगा, तो ये किसी भी प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। तो राजनीतिक दलों का और उनके नेतृत्व की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ये और ज़्यादा बन जाती है कि जिस तरह की पॉलिटिकल मैसेजिंग वो लोग कर रहे हैं उसको लेके बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो फिर ये निर्धारित करेगा कि अगले 5 सालों में राजनीतिक दशा और दिशा कैसी होगी।
आपने राजनीतिक मतलब जो दल है उनके बारे में आपने मतलब उनकी क्या जिम्मेदारी रहेगी या फिर उनके नेतृत्व के बारे में तो बता दिया, लेकिन नेतृत्व से जो कार्यकर्ता है ग्राउंड लेवल तक, उनका मतदाताओं से ज़्यादा करीबी संबंध आता है जी, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे या फिर उनको एक क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह का एक एक चुनावी ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं कम से कम पिछले 6-7 सालों से, तो हम ये पा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का तो रोल रहता ही है, लेकिन कार्यकर्ता कहीं ना कहीं टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप से अपने मैसेजेस को डिराइव करते हैं, प्रभावित होते हैं कहीं ज़्यादा, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का कार्यक्रम है तो इसमें मैं राजनीतिक दलों का नाम नहीं लूँगा। तो कार्यकर्ता डेफिनेटली कनेक्ट रखता है एक इमीडिएट वोटर के साथ, और गोवा में, क्योंकि हम गोवा के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो क्योंकि छोटा स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का साइज़ छोटा होता है, तो लोकल कार्यकर्ता की भूमिका शायद और बढ़ जाती है, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी फिर कहीं ना कहीं ये और बढ़ जाती है कि जो पॉलिटिकल मैसेजिंग वो कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि देश के किसी अन्य भाग में जो मैसेजिंग जिस तरह की जा रही हो वो यहाँ भी वैसी ही की जाए। तो ठीक है, मैसेज आप लीजिए अपनी टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप से, लेकिन उसको अपनी लोकल परिस्थिति के हिसाब से उन मूलभूत आदर्शों को ध्यान में रखते हुए आप किस तरह से उसे आगे बढ़ा सकते हैं, और इसको अगर आप एक पॉजिटिव तरीके से देखिए तो वही जो लोकल कार्यकर्ता है मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है। वो जो मैं गैप की बात कर रहा था कि 67 से 77 क्यों नहीं है, उसको पूरा करने में तो चुनाव आयोग तो अपना रोल प्ले करेगी ही, लेकिन वो कार्यकर्ता इस दिशा में काफ़ी बड़ा काम कर सकता है टू मोटिवेट द वोटर्स टू कम आउट एंड वोट। हमारा कार्यक्रम जो है वो मतदार साक्षरता का है, और मतलब ये जो डेमोक्रेसी का जो फेस्टिवल है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वोटर ही है, मतदार ही है, तो अत्याधिक भागीदारी के लिए मतदार क्या कर सकता है और उसका दायित्व क्या रहता है? क्योंकि हम एक ट्रेंड जो देखते हैं, जब 18 साल के हो जाते हैं तब उनको मतलब पहली बार मैं वोट देने जा रहा हूँ तो एक दो बार वोट देते हैं, मतलब जैसे वो 25-30 हो जाए तो हम बोलते हैं ना उदासीनता जैसी उन दिखाई देती है, क्या होना है जी? ये ना हो और हर एक मतदार वोट करे, इसके लिए हर एक मतदार का क्या मतलब, मैं खुद तो वोटिंग करूंगी ही लेकिन जो नहीं कर रहा है उसको भी साथ में लेके चलने के लिए मतदार क्या कर सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, और हमारी ऑडियंस में ऐसे कई लोग हैं जो इस फेज की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि प्रजातंत्र में अपना विश्वास कायम रखना चाहिए। प्रयास आपका ये होना चाहिए कि प्रजातंत्र में जो खामियां हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उनको आप अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से किस तरह से उसमें सुधार ला सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि चुनाव होने के बाद भी ऐसे तमाम मौके रहते हैं जिसमें कि हम और आप यंग वोटर अपनी नॉलेज को इस्तेमाल कर सकता है डेमोक्रेसी को और बेहतर बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि प्रजातंत्र पे एक तरह का पूर्ण विश्वास, कैसे उसको और बेहतर बनाया जा सके, अगर इस दिशा में एक आम वोटर सोच के चले तो कहीं ना कहीं ये जो गैप्स की हम लोग बात कर रहे हैं उसको पूरा किया जा सकता है। तो वोटर को अपने आप को नॉलेजेबल बनाना होगा, अवेयर बनाना होगा, जो उसके राइट्स हैं एज अ वोटर इसकी जानकारी उसको रखनी पड़ेगी। उदासीनता से काम नहीं चलेगा, तो क्योंकि मैं खुद ऑप्टिमिस्टिकली इस पूरे सिनेरियो को देखता हूँ तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये उदासीनता कम होगी, और जैसे जैसे ये उदासीनता कम होगी तो मुझे लगता है कि वो जो तमाम चिंताएं हम अक्सर डेमोक्रेसी के साथ साथ एसोसिएट करके चलते हैं उसमें भी फिर कहीं ना कहीं कमी आएगी। इन्फॉर्म्ड वोटिंग बहुत ज़रूरी है जी मतदार के लिए। और हमारे साथ जामचा वांगड़ा हंगा मतदार असत
तरनाटे आसा, तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता, तो हम उनसे सवाल लेंगे जो आप उनसे पूछना चाहते। पहले कौन शुरू कर रहा है? यस, मेरा नाम सर्वेश वेरेकर है, मैं गोवा यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। तो सर, आपने आप जब आप समझा रहे थे इस सब मुद्दे के बारे में, तब आपने जब राजकीय दल के उनका क्या दायित्व हो सकता है वोटर्स की संख्या बढ़ाने के लिए, तो उस वक्त आपने कुछ शब्दों का प्रयोग उपयोग किया, जैसे कि संकीर्ण राष्ट्रवाद या फिर प्रांतवाद। इसको और संक्षेप में मैं समझना चाहता हूँ, और इस तरह के मुद्दे लोगों को कैसे निरुत्साहित करते हैं वोट करने के लिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सर्वेश। संकीर्ण प्रांतवाद और संकीर्ण राष्ट्रवाद से मेरा तात्पर्य यह था कि भारत एक विविध देश है, जिसमें कि तमाम भाषाएं, तमाम धर्म, तमाम तरह की सांस्कृतिक विरासतें आपस में निहित हैं। राष्ट्रवाद का वो मॉडल जिसमें कि हम इन तमाम विविधताओं को एक साथ लेकर चलें, वो अपने आप में एक बहुत ही सार्थक, मुझे लगता है, स्लोगन राष्ट्रवाद का हो सकता है। लेकिन अगर उसी राष्ट्रवाद को आप धर्म विशेष या एक विशेष कल्चर से आइडेंटिफाई करें, तो ऑटोमेटिकली जो व्यक्ति उस कल्चर को नहीं बिलोंग करते, उसमें वो एक एक तरह का विद्वेष पैदा कर सकता है, एक एप्रिहेंशन पैदा कर सकता है। तो एक एक पॉलिटिकल स्लोगन जिसमें कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसे स्लोगन, मेरे ख्याल से राष्ट्रवाद की एक एक व्यापक समझ को प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह के अगर स्लोगन हम अपनाएं, तो वो एक इंक्लूसिव नेशनलिज्म अपने आप में कहा जाएगा, और उस इंक्लूसिव नेशनलिज्म में आप अपनी डाइवर्सिटी को भी शामिल कर सकते हैं। यही बात लगभग प्रांतवाद को लेके भी होती है। हम ये पाते हैं कि राष्ट्रवाद अपने आप में एक अहम मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं सब रीजनल नेशनलिज्म, प्रांतवाद भी अपने आप में बढ़ रहा है। तो इनसाइडर आउटसाइडर, ये तमाम मुद्दे भी कहीं ना कहीं चुनावों में आते रहते हैं। एक आम वोटर को मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के देखना ये चाहिए कि जिस व्यक्ति के लिए हम वोट करने जा रहे हैं, उसके अपने विचार क्या हैं इन तमाम मुद्दों पे, किस तरह से वो उसकी अपने जीवन को और समाज को बेहतर करने में क्या योगदान कर सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर एक इंक्लूसिव अप्रोच कैंडिडेट कोई अपनाता है, तो वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा बजाय एक नैरो टर्म्स में। तो मेरा मतलब ये था कहने का। सो त्रिपाठी जी, मतलब राष्ट्रवाद या प्रांतवाद का सहारा लेके पोलराइजेशन ना हो वोटों जी, का जी, जी, इस विषय पर ही आप शायद जी, 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 मेरा मतलब वही था। अगली सवाल की ओर चलेंगे। हेलो सर, मेरा नाम रंजन है। सर, एज वी आर अवेयर दैट वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया, सो तो आपको लगता है कि ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये जो वोटर टर्नआउट है, उसको अफेक्ट कर रहा है या अफेक्ट कर भी रहा है, तो किस प्रकार कर रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मल्टी पार्टी सिस्टम की वजह से वोटर टर्नआउट में असर पड़ रहा है, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम डेफिनेटली वोट्स को डिवाइड कर सकता है, लेकिन जो लोग वोट देने आ रहे हैं एग्रीगेट, वो परसेंटेज तो फिर भी आगे बढ़ रहा है। तो वोट फ्रैगमेंटेशन हो सकता है मल्टी पार्टी सिस्टम की वजह से, लेकिन उसका असर डायरेक्टली वोटर्स पार्टिसिपेशन पे नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम एक आवश्यकता है किसी भी डाइवर्स डेमोक्रेसी के लिए। आप पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हैं, तो आप अगर दक्षिण एशिया में देखेंगी, तो ऐसे प्रयास हुए थे कि देशों में एक पार्टी का ही राज स्थापित करने की बात की गई थी, और ऐसे एक्सपेरिमेंट ज़्यादा चल नहीं पाए। जिन जिन लोगों ने ये आगे करने की कोशिश की, वो सत्ता में टिक नहीं पाए। तो मल्टी पार्टी सिस्टम अपने आप में एक बहुत आवश्यक
चीज़ है, खासतौर पर भारत जैसे बड़े देश के लिए, लेकिन वोटर टर्न आउट आई मीन से इसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक मैं नहीं देखता। हम और एक सवाल लेंगे। मेरा नाम श्योम संगोडकर है सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल हम देखते हैं कि नेशनल लेवल पर वोटिंग टर्नआउट कम होता है, स्टेट लेवल या विलेज लेवल पर ज़्यादा होता है, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल है उसको बढ़ाने के लिए, या जो जागरूक मतदार है उनका क्या रोल है वोटिंग टर्नआउट को बढ़ाने के लिए? आई थिंक बाय नेशनल लेवल ही मीन्स टू से कि लोकसभा का जब इलेक्शन होता है तो वोटर टर्नआउट कम आता है, और जब विधानसभा का या फिर लोकल लेवल का जो इलेक्शन होता है तो वोटर टर्नआउट ज़्यादा दिखने को मिलता है। जी जी, एक वजह जो मेरी समझ में आती है, हालांकि इस पर अभी भी अध्ययन चल ही रहा है, वो ये कि मतदाता अपने आसपास की के मुद्दों से ज़्यादा जुड़ा रहता है। ये मुद्दे कैसे उसके अपने डे टू डे लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं, उससे अफेक्टेड होता है वो। ऐसे मुद्दे जो नेशनल लेवल पे इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं कि वो मायने नहीं रखते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि अच्छा ये इसके लिए तो जो नेशनल पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो इसको देख ही रही है, तो इसमें मेरा क्या अपना रोल हो सकता है, मेरा क्या योगदान है। सो भारत पाकिस्तान संबंध है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन हाँ पानी की समस्या है मेरे अपनी लोकेलिटी में तो उसमें मेरा एक रोल है। जबकि वास्तविकता यह है कि भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दे पे भी एक आम नागरिक की सोच और समझ काफ़ी मायने रखती है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक वोटर जितना ज़्यादा अपने आप को अवेयर करे न केवल लोकल लेवल पे बट नेशनल लेवल पे, और वोटर्स एजुकेशन उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती है, ये गैप कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा करने से नेशनल लेवल का परसेंटेज भी 90% हो जाएगा, जो कि आमतौर पे कई बार लोकल इलेक्शंस में हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट एक स्टेप तो आगे बढ़ेगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत का वोटिंग परसेंटेज लोकसभा इलेक्शंस में 67 रहा था, अमेरिका जो कि एक और बड़ी डेमोक्रेसी माना जाता है उनका हम लोगों से 1% कम था, 66%। तो हम लोग वैसे बुरा नहीं कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आर वोटिंग टर्नआउट, लेकिन ये गैप लोकल इलेक्शंस और नेशनल में अभी रहेगा हमें ऐसा लगता है। त्रिपाठी जी, हमारा जो लिमिटेड समय है वो समाप्त होने के लिए आ रहा है, तो हम एक्चुअली आपसे और ज़्यादा बात करने की चाहते हैं, आपसे और ज़्यादा नॉलेज लेना हम अवश्य चाहते हैं, लेकिन हमारा जो टाइम है वो लिमिटेड है, इसीलिए यह कार्यक्रम हमें यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं, तो समाप्त करना पड़ रहा है बेसिकली। तो आप हमारे स्टूडियो में आए और मेरे सवालों का भी जवाब दिया, जानकारी दी, और हमारे ऑडियंस के भी सवालों के आपने जानकारी दी, जवाब दिए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी। और हमारे ऑडियंस को भी, आप यहाँ पर आए, आपके सवाल पूछे, ये सिर्फ आप ही के सवाल नहीं बल्कि जे क्वेश्चन्स तुम्ही विचारले, जे प्रश्न विचारले हैं तुमचेच प्रश्न नहीं, तुमकाच जापो मिळूक ना, तर दूरदर्शनाच्या माध्यमातल्यान ही कार्यावळ जे पळयतात त्यांना सगळ्यांक जापो मिळली आणि त्यांच्यामध्ये जागृताय झाली, त्या खातीर हांव तुमका सगळ्यांक आज असं देव करूं मिलता। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।